जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से चाची जी, चाचा जी, वो मुझे ब्राह्मणों को कुछ पैसे दान करने थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं, आप लोग दान कर देंगे। हाँ बिटिया, एकदम जरूर जरूर दान कर देंगे। दिल खोल कर आशीर्वाद देंगे वो। मैं चलती हूँ चाची। तो ये पैसा ब्राह्मण में दान करना है ना, और वो आशीर्वाद हो देंगे। बापू, हम भी तो ब्राह्मण हैं, और वो भी घर के 10 किलो ज्यादा आशीर्वाद देंगे बाहर के लोगों से। बात है कि तुम पहली बार भैंस मंदी का बात किया है तुमने, मतलब अकल मंदी का दुनिया। अब जान जाके रखो ना बक्सा, इसको जा। हाँ शरबत वाले भैया सुन रहा तुमने। माँ, माँ क्या हुआ लक्ष्मी? ये क्या बात हुई माँ? पंजाब में तो जब शादी होती है सब झूम उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ पर तो सबके चेहरे उतरे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई हल्ला गुल्ला, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम जानती हो ना लक्ष्मी, किन हालात में शादी हो रही है? रणवीर और रानू दोनों की दूसरी शादी है, इसलिए सब सादगी से कर रहे बेटा। हाँ माँ, लेकिन तुम ही सोचो, शादी के बाद जब रानू दीदी अपना एल्बम देखेंगे तो तस्वीरें कैसी बेरंग होगी, तब उन्हें कैसा लगेगा? नहीं माँ, कुछ तो होना चाहिए, कुछ धूम मचनी चाहिए, कुछ नाच गाना होना चाहिए। वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम।
रानो, इतनी खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते, कभी कभी अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना पड़ता है। और फिर तुम्हें तो विदाई के आंसू भी नहीं बहाने, जिस घर की डोली है उसी घर की बारात भी तो है। रानो चाहे रिश्ते बदल जाए, हमारा साथ कभी नहीं बदलेगा। हेलो, देखिए मिसेस, सब लोग हमारे पास वालिया हाउस का सर्च वारंट है। मैं वहाँ थोड़ी देर में ही पहुँच रहा हूँ। इसे भी आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी है, और हम सब इस वक्त शादी के वेन्यू में। शादी छोड़कर आना नहीं पड़ता। सॉरी मिसेस सब, शादी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं आ सकते तो मजबूरन हमें ताला तोड़ कर अंदर घुसना पड़ेगा। मैं कानून तोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ। यहाँ शादी हो रही है, मुझे बात मानी मानी है। सुहाग का सिंदूर दीजिए। हाथ अलग मत कीजिए, पति पत्नी दोनों एक साथ सुहाग के लिए सिंदूर देते हैं तो ज्यादा शुभ होता है, ज्यादा शुभ माना जाता है। छुप जाऊं मैं सांस बन के तेरी धड़कनों में धड़कता रहूं, तेरी ही खुशबू में धुल जाऊं मैं सारा जीवन महकता रहूं। चाहत के रंगों से लिखी है मैंने तुम्हारी मेरी दास्तां, जब चाहो तुम आजमा लो मुझे, हंसते हंसते लुटाऊंगा जान। जब तक मेरे तुम साथ हो ये सिलसिला खत्म ना हो। शादी छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? सारी विधियाँ चल रही है। अगर मिस्टर वाले या किसी ने मेरे बारे में पूछ लिया तो फिर क्या जवाब देंगे? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ नहीं गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो बात हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सबको पता चल जाएगा। ये जो पूरा माहौल है ना खत्म हो जाएगा। Why don't you understand? Everything will be finished. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सब लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्टर साहिल के ब्लड में पॉइजन था, साथ में उनकी डेथ हुई तो महज एक हादसा नहीं, सोचे ही समझी साजिश, किसकी ये कोई नहीं जानता। तो मौत के पीछे बहुत बड़ा राज था, मैं उसमें से पता उठाना चाहता हूँ। सुलझी को सुलझाने के लिए मुझे इस घर की तलाशी लगी। पूरी तरह से लो, कोई भी कोना नहीं बच सकती। राइट राइट सर। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा तरुण, साहिल की मौत के पीछे जहर। कोई साहिल को जहर क्यों देगा? और किसी की साहिल से क्या दुश्मनी होगी कि जान लेना चाहता था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ वानी, कौन सी बात थी जो किसी ने साहिल को जहर दे दिया? तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रणवीर ऐसा। तरुण सब बिखर रहा है, कहीं रिश्ते जुड़ रहे तो कहीं विश्वास टूट रहा है। किसको संभालूं, अपने रिश्तों को या अपने विश्वास? तरुण, मेरी बहन की शादी हो रही है रणवीर के साथ, पता नहीं क्या होगा। स्वागत के लिए घर तैयार चुका है। घर पुराना है तो क्या? तुम
बहू बनकर पहली बार जा रहे हैं, थोड़ा सजाना तो पड़े। पहले शगुन, पहले जूते, पहले शगुन। आप लोगों का क्या भरोसा, पैसे लेके मुकर गए तो? देखो लक्ष्मी लक्ष्मी मांग रही है। अच्छा ठीक है, मत दो पैसे, दूल्हे को नंगे पैर ही घर लेके जा। हमें क्या पता था कि लड़के वाले इतने कठोर होते हैं। पर हमें भी नहीं पता था कि आजकल की लड़कियां जूते चुराने लगी। देखो ये एक रस्म है, एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से जूते लो। बेटा शादी क्यों है फिल्म देवी, लो। लक्ष्मी इनकी बात मत सुनना, शगुन लिए बिना जूते वापस मत देना, समझी तुम? नहीं तो लड़कियों की नाक कट जाएगी। तुम सारे लड़के बड़े दगाबाज हो। और तुम लड़कियां दंगा फसाद। देखो अब तुम लोग को जूते मिल गए ना, शगुन लाओ, लाओ निकालो। कौन सा शगुन, किसका शगुन, कहाँ का शगुन, मैं नहीं पहचानता। चोर कहेगी। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक जूते के लिए इतना बड़ा झगड़ा, कितना शगुन चाहिए तुम्हें लक्ष्मी? मैं तो पूरे 10,000 लूंगी। हाँ डोंट वरी, जानता था इतना ही मांगेगा, तैयार रखा ये। ये हुई ना बात, अब अपने जूते अपने पास ही रखे। मुझे मालूम होता है जूते चुराने का 10,000 मिलते तो मैं चुराता। ठीक है सुनो, बानी ने तुम्हें नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ पता है कि बानी कहाँ चली गई? तुम कुछ देर पहले उससे कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, वो एक्चुअली तरुण ने बुलाया था मानी मामी, बस वही बोलने उन्हें आया था मैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई मुझे भी नहीं मालूम। सब लोग शरीर को हमें गिरफ्तार करना, मुझे कुछ नए जोड़े के फोटो लेने हैं, प्लीज आप मेरे संग आइए। आप लोग उधर खड़े हैं, बस एक कुछ कमी है, कुछ बात नहीं बनी। If you don't mind, I'm happy to be here.
ऐसे नहीं, पूरी रस्मों के साथ होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। जानती हो रस्में रिश्तों को जोड़ती है, रिश्ते घर को जोड़ते हैं, और घर दीवारों को नहीं संस्कारों को जोड़ता है। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराओ और गृह प्रवेश करो। अरे रुको बेटा, अकेले बहू थोड़ी घर में प्रवेश करती है। जोड़े के साथ प्रवेश किया जाता है। रणवीर कहाँ चला गया है?